अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे साउथ जोन के हो या फिर हार्ड जोन के स्टूडेंट्स हो, जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, हर कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना यहाँ पर वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। वो कोई भी फेक अपडेट देते हैं कि 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जैसा कि आज भी हुआ था। तो ये होता है बच्चों के इमोशन के साथ खेलना। जब बच्चे चेक कर रहे थे, इनको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा था, सोचे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, कभी भाई को, कभी दोस्त को, कभी किसको फोन करके बता रहे थे कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, जरा चेक करके बताओ। तो तभी मैं वीडियो बनाता कि ये फेक रिजल्ट है। तब मैं ऑफिस में था, इसीलिए मैंने उस टाइम शॉर्टकट इंस्टा की स्टोरी भी डाल दी थी कि रिजल्ट जो है वो फेक है, अभी रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं होगा। तो अब बात करें रिजल्ट होगा कब। देखो, जैसा कि जेके बोस के ऑफिशियल से मैंने बात की, उन्होंने सिंपली बोला 7 और 8 जून को रिजल्ट बिल्कुल होगा ही नहीं। जैसे मैंने उनको पूछा कि रिजल्ट के चांस है आज, उन्होंने बोला नहीं नहीं आज चांसेस है, नहीं कल है। 7 और 8 जून को कोई भी रिजल्ट की यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ भी 9 जून के बाद ही होगा। 9 जून को हो, 10 को हो, 11 को हो, 12 को हो, 13 को हो, 15 को हो, जब भी हो, बट 7 और 8 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा ही नहीं। तो इसमें होता होगा जेके बोस का कुछ काम, जिस वजह से उनको ये थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी लग, इन 2 दिनों में रिजल्ट के कोई चांसेस है ही नहीं। अगर बात करें रिजल्ट परसेंटेज की, जैसा कि 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 74% था, एंड अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर 12th क्लास का रिजल्ट, वो 65% था। तो 12th क्लास का रिजल्ट प्रीवियस ईयर के हिसाब से इस बार बहुत अच्छा आया है। ऐसा ही हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि 10th क्लास का रिजल्ट भी प्रीवियस ईयर से और बेहतर आए। जैसा प्रीवियस ईयर जो रिजल्ट था वो ऑलमोस्ट 80% था, 79.89% था। इस साल उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट ज्यादा अच्छा आना चाहिए, बट अभी तक परसेंटेज की यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जेके बोस वालों ने।